बच्चों को शुभ प्रभात। आज की अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। बच्चों, जिस तरह से हम अपनी क्लास में ऑनलाइन की इस कक्षा में नई नई चीजें, अच्छी अच्छी बातें सीखते चले आ रहे हैं, व्याकरण से संबंधित हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। आज हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, कुछ नया देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो कि हमें देखने पर भी देखने के लिए उत्साहित करता रहे। तो बच्चों, आप लोग का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी आगे की कक्षा को हम शुरू करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन आज की क्लास के लिए। तो बच्चों, यहां देखते हैं मेरा परिचय। मैं प्रमोद कुमार काशीनाथ त्रिपाठी, MPS पोईसर हिंदी शाला क्रमांक 3, 90 फिट रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई 101। आज का दिनांक 19 सितंबर सन 2020, दिन शनिवार। सुविचार बच्चों, जहां चाह वहां राह। सुविचार पर जरा गौर कीजिएगा बच्चों, जहां चाह वहां राह। इस सिद्धांत को हमने अपने जीवन पर पालन किया है और हम वो हर चीज पा जाते हैं जिसकी इच्छा रखते हैं, क्योंकि जहां चाह रहेगी वहीं आपको राह रहेगी, वहीं आपको रास्ता मिलेगा। कक्षा 5वीं, विषय प्रथम भाषा, हिंदी, बाल भारती। बच्चों, हम आपको कुछ चित्र दिखा रहे हैं, यह देखिए कितना सुंदर लाल लाल टमाटर दिख रहा है। अभी देखो बच्चों, टमाटर देखते ही या टमाटर का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में उसकी छाया चित्र बन जाती है कि टमाटर कैसा होता है। बच्चों, लाल होता है, गोल होता है, खाने में थोड़ा खट्टा होता है। आगे देखते हैं बच्चों, वाह, रसगुल्ला। वैसे छेने वाला रसगुल्ला हम सभी बहुत पसंद करते हैं। देखो बच्चों, इसके बारे में लिखा है, रसगुल्ला कैसा है, सफेद है देखने में और रसीला है, खाने में बहुत ही मीठा है। मुंह में पानी तो अभी अब आगे आएगा बच्चों, देखते चलिए। मिर्च, हाँ, बहुत तीखा है। मिर्च के बारे में थोड़ी तीन बातें देख लेते हैं, तीन शब्द। हरा, इसका रंग हरा है बच्चों, स्वाद में ये बहुत ही तीखा होता है और चमकदार दिख रहा है, मतलब ये ताजा है। इमली, इमली जो है हम अपने बचपन में बहुत पसंद करते हैं बच्चों। हम लोग विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय के गेट के बाहर इमली बेचने वाला खड़ा रहता है, तो उससे हम इमली जरूर लेते हैं। इमली कैसी होती है, देखने में हरी, स्वाद में खट्टा होता है। और ये जो पेड़ की इमली ताजी ताजी आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये कच्ची इमली है अभी। ओ वाह, आंवला। आंवला तो बहुत ही गुड़ों की खान है बच्चों। आंवला कैसा होता है, इसके बारे में तीन शब्द हम देख लेते हैं। रसीला होता है, खट्टा होता है, गोल होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है बच्चों। देखो प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम कुछ एक पैराग्राफ लिखे हैं, परिच्छेद आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। और इसमें कुछ परिच्छेद के शब्द जो हैं बच्चों, अलग रंग से लिखे गए हैं, जैसे लाल रंग से हैं, ध्यान देंगे। इंद्रधनुषी छटा बिखराता, इंद्रधनुषी छटा बिखराता, सुरम्य प्रपात हमसे दूर था। बच्चों, एक बार हम देख लेते हैं, पहले प्रपात किसे कहते हैं। प्रपात ये
ऊंची पहाड़ी की चोटियों से झरने की तरह गिरता हुआ ऊपर से पानी, जिसे हम धबधबा भी कहते हैं बच्चों, देखने में बहुत ही मनमोहक होता है और दूर दूर से लोग जाते हैं प्रपात के किनारे आनंद लेने। तो पढ़ते हैं बच्चों, इंद्रधनुषी छटा बिखराता सुरम में प्रपात हमसे दूर था, फिर भी उसके शीतल जल का अनुभव हमें हो रहा था। सामने ढलते सूरज द्वारा परछाइयों की लंबी कतारें थीं, असंख्य दर्शक इस सुंदर जलधारा का आनंद ले रहे थे। बहुत ही सुंदर लिखा गया है बच्चों, इंद्रधनुषी सुरम्य शीतल ढलते लंबी और असंख्य, यहाँ देखिए सुंदर, ये जो शब्द है ये लाल रंग से अलग हाईलाइट किए गए हैं बच्चों। इस अनुच्छेद में इंद्रधनुषी सुरम्य शीतल लंबी असंख्य तथा सुंदर शब्द क्रमशः छटा प्रपात जल सूरज कतार दर्शक व जलधारा की विशेषता बता रहे हैं बच्चों। विशेषता को ही विशेषण के नाम से जानते हैं बच्चों। इसको देखते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक बार और देखो बच्चों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा के बारे में एक सूक्ष्म रूप से आपको बता देते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं बच्चों। और सर्वनाम के बारे में जान लीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, वह, वे इत्यादि। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, देख लीजिए, आपके सामने परिभाषा प्रदर्शित है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी बच्चों देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेषता बराबर विशेषण, विशेषता अर्थात विशेषण हो गया, जिसकी विशेषता हो वह विशेष्य हो गया। निम्नलिखित वाक्यों को बच्चों ध्यान से पढ़िए। पहला है, इससे संबंधित हम आपसे प्रश्न भी पूछने वाले हैं, इसलिए इसको, इस परिच्छेद को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पहला है, काला घोड़ा तेज भागता है। ध्यान से पढ़िए, काला घोड़ा तेज भागता है, 50 आदमी पकड़े गए, मेरी गाय अधिक दूध देती है, उसकी साड़ी बनारसी है, और पांचवा, यह इमारत मुगल कालीन है। बच्चों इन वाक्यों के आधार पर उत्तर दीजिए। कैसा घोड़ा तेज भागता है, प्रश्न पहला है, कैसा घोड़ा तेज भागता है, इसका उत्तर है बच्चों काला। प्रश्न क्रमांक दूसरा, कितने आदमी पकड़े गए, कितने आदमी पकड़े गए, इसका उत्तर है 50। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कितना दूध देती है, अधिक, इसका उत्तर होगा अधिक। प्रश्न क्रमांक चौथा, साड़ी कैसी है, अगर साड़ी में कोई रंग होता तो हम रंग का नाम लेते, लेकिन साड़ी के का नाम दिया है बनारसी है, इसलिए प्रश्न क्रमांक चौथा साड़ी कैसी है का उत्तर होगा बनारसी। इमारत कब की है, प्रश्न क्रमांक पांचवा, इमारत कब की है, इमारत मुगल कालीन है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि के बारे में बताते हैं। विशेषण के भेद, जैसे बच्चों
हम लोग संज्ञा सर्वनाम के भेद पढ़े, उसी प्रकार से विशेषण के भी भेद होते हैं। आइए इनके बारे में हम सूक्ष्म रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक ये विशेषण। अभी अगला स्लाइड में हम देख रहे हैं बच्चों, पहला दिया है गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों एक बार फिर से, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। ये परिभाषाएं अगर हमें कंठस्थ रहेंगी तो हमको प्रश्न पत्र हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों देखिए, आपके सामने एक चित्र है, इसमें लिखा गया है इनका नाम श्री स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग जानकारी लेना बच्चों, इनके बारे में हम कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे आकर्षक रूप, ललित कंठ, दमकती त्वचा, लंबी उंगलियां, लंबा तगड़ा डील डॉल। बच्चों देखो, आकर्षक, ललित, दमकती, लंबी, लंबा तगड़ा, ये जो लाल रंग से अंडरलाइन किए गए शब्द हैं बच्चों, ये स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता बता रहे हैं। उनका रूप कैसा है? आकर्षक है। उनका कंठ कैसा है? ललित है। त्वचा कैसी है? दमक रही है, चमक रही है। उंगलियां कैसी हैं? लंबी हैं। डील डॉल उनका कैसा है? लंबा तगड़ा। बच्चों दूसरे पर आते हैं, संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, जो विशेषण संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक छोटा सा परिच्छेद लिखा है हमने, यहाँ एक सरकारी अस्पताल का चित्र है। सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर मुझसे बोले, ध्यान दीजिए बच्चों, सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर मुझसे बोले, दो खुराक पीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। 3 दिन बीत गए पर दर्द में कमी नहीं आई। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1, 2, 3 शब्द जो हैं संख्यावाचक विशेषण हैं। ये क्रमशः डॉक्टर, खुराक और दिन की विशेषता बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं बच्चों, दो भेद होते हैं। एक होता है पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण देख लेते हैं बच्चों, जिन विशेषणों स्वतः निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 2 आदमी, 4 आदमी, 10 पेड़, 2 लाभ, 8 पहर इत्यादि, जिन विशेषणों में स्वनिश्चित संख्या का बोध हो,
जैसे इधर देखो बच्चों, चित्र में दिया गया है दो आदमी, तो ये निश्चित ही है कि सिर्फ दो ही आदमी हैं, इसमें तीसरा नहीं है। चार आम गिन सकते हैं बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार आम दिखाई दे रहा है, इसमें पांचवा आम नहीं है, क्योंकि यह एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों देखिए, 10 पेड़, इसमें पेड़ ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 10 पेड़ जो सड़क के किनारे हैं, रास्ते पर हैं, उनमें पट्टियां लगी हैं, वो सरकारी पेड़ के अंतर्गत आते हैं। बच्चों यहाँ चित्र में तो दिख रहा है चींटियां, और नीचे लिखा है आठों पहर। आपको बता दें, चींटियां 24 घंटे चलती ही रहती हैं बच्चों, ये कभी रुकती नहीं, कभी बैठती नहीं, कभी आराम नहीं करती। जीवन जब इनका शुरू होता है, तब से शुरू होकर के मृत्यु पर्यंत तक, यानी मरने तक, ये चलती ही रहती हैं। और जब ये चींटियां चलना रुक जा बंद कर देती हैं, रोक देती हैं अपने आप को, तो समझ लीजिए मर गई हैं। इसलिए बच्चों यहाँ आठों पहर लिखने का तात्पर्य ये है कि ये आठों पहर चलती रहती हैं। जैसे सुबह एक पहर हो गया, दोपहर को दो पहर हो गया, शाम को तीन पहर हो गया, रात हुई चार पहर हो गया, फिर रात के बाद आधी रात हुई, पांच हुआ, इस तरह से 6, 7 और 8 प्रातः काल हो जाता है बच्चों। मतलब 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, यह ध्यान दीजिए। और आठों पहर ये चींटियां चलती रहती हैं कतारों में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए हम आपको इसमें थोड़ा सा जानकारी शॉर्ट में दिए हैं, क्योंकि आपको यह न लगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में यदि यह ऐसा है तो इसको क्या कहेंगे। पहला है गणनावाचक, देख लीजिए, जैसे 2, 4, 10, 100 आदि। दूसरा है क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 100वां आदि। बच्चों जैसे आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो उसमें आपका फर्स्ट रैंक आता है तो आप पहला आते हैं, कोई दूसरा आता है, तीसरा आता है। इस तरह से जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं प्रतियोगिता में, किसी का 100वां स्थान आता है, किसी का 1200वां स्थान आता है, ये क्रमवाचक में आते हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों, आवृत्तिवाचक। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे दुगुना, तिगुना, 10 गुना, 50 गुना इत्यादि। चौथा है समुदायवाचक, जैसे दोनों, तीनों, पांचों आदि। समुदाय, समुदाय का अर्थ होता है बच्चों समूह। पांचवा है प्रत्येकवाचक, जैसे एक एक, दो दो, हर दूसरे, हर तीसरे आदि। आगे देखिए बच्चों, निश्चित संख्यावाचक के बाद दूसरा हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कुछ बच्चे, थोड़े मित्र, सब लड़कियां आदि। बच्चों इसमें आपको आगे कुछ चित्र दिखा रहे हैं, देख लीजिए। सब लड़कियां, सब लड़कियां एक साथ असेंबली में प्रार्थना करने के लिए एक साथ मैदान में खड़े हैं, और सभी एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें अगला शब्द है थोड़े मित्र। बच्चों मित्र बनाइए, मित्र बनाना बहुत अच्छी बात है, थोड़े मित्र बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए, जो आपकी जरूरतों पर काम दें, जो आपकी परेशानियों पर आपका साथ दें। यदि आप किसी प्रश्न पर अटक गए हैं, तो उसके मन में यह विचार आए कि नहीं, यह हमारा मित्र है, चलो इसकी मदद करते हैं। तीसरा है बच्चों, हमने देखा दो, देख लिए। तीसरा देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है, मात्रा नाप तौल आदि को बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें बच्चों मात्रा बताता है कितना है वजन, नाप तौल बताता है, इस तरह के मात्रा नाप तौल आदि को बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों देख लीजिए, 2 किलो आटा, दुकानदार के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे 2 किलो आटा दीजिए, तो वो 2 किलो आटा ही देगा बच्चों, 2 ही किलो देगा, वो निश्चित है। 1 एकड़ जमीन, अगर माप दिया गया कि यह जमीन 1 एकड़ है, तो वह 1 एकड़ ही होगी चाहे आप उसको जब मापिए। 5 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, थोड़ा पानी आदि। देखिए बच्चों, 2 किलो आटा पीछे भरनी में 2 किलो आटा वजन करके रखा गया है, अर्थात उसमें 2 किलो आटा पूर्ण है। 1 एकड़ जमीन, आपको यह जो जमीन दिखाई दे रही है इसका माप 1 एकड़ है, और यह ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, यह 1 एकड़ ही रहेगी। 5 मीटर कपड़ा, इसमें बच्चों देखो इसका माप बता रहा है, ध्यान दीजिए इन सब चीजों का माप बता रहा है, नाप तौल किया जा रहा है। 5 मीटर कपड़ा, इसको नापा गया है मीटर पट्टी से, मीटर पट्टी से कपड़े को मापा गया है, यह 5 मीटर कपड़ा ही है। 3 लीटर दूध, इस बड़े से टब में बाल्टी से 3 लीटर दूध डाला जा रहा है बच्चों। थोड़ा पानी, पानी दिखाया गया है, इसकी मात्रा निश्चित नहीं की गई है, इसमें दिया है थोड़ा पानी। बच्चों देख लो, ये जो हमने आपको बताया 2 किलो आटा, 1 एकड़ जमीन, 5 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, इसमें बच्चों यह नहीं कि बस 3-5 पर ही ध्यान देना है, मीटर है, लीटर है, किलो है, बहुत ध्यान दीजिए बच्चों, मापन की इकाइयों का भी परिचय हम ले रहे हैं अपने इस व्याकरण में। विशेषण के साथ में हम मापन की इकाइयों का भी अध्ययन कर रहे हैं। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। बच्चों देखो, पहला है इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में परिभाषा देखते हैं, इसमें निश्चित मात्रा या नाप तौल का बोध नहीं होता, इसमें फिक्स नहीं माप तौल किया जाता कि यह इतना ही है। जैसे कुछ अन्न, थोड़ी दाल, घड़ा पानी, अब कह दिया गया घड़ा पानी, अब उस घड़े में कितना पानी है कुछ फिक्स नहीं है बच्चों। देखिए कुछ अन्न, कुछ अन्न है, इनका न तो वजन किया गया है और ना ही गिना जा सकता है, इसलिए इन्हें इनमें इनको लिखा गया कुछ अन्न। थोड़ी दाल, अब दाल रखी गई है बच्चों, वजन नहीं किया गया है, अब इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कितने परिमाण में है निश्चित, इसलिए यह अनिश्चित में आता है बच्चों, थोड़ी दाल। अगला देखते हैं बच्चों, अनिश्चित के बाद हम देख लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में संख्या या गिनती निश्चित होती है, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें निश्चित परिमाणवाचक में संख्या या गिनती निश्चित होती है। जैसे उदाहरण देख लो बच्चों, नीचे लिखा हुआ है 2 मीटर कपड़ा। हाँ बच्चों, तो आपको एक बात और बता दें कि जो आपको स्लाइड अच्छी लग रही हो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। देखिए, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो टमाटर, 500 ग्राम दूध, 1 किलो आटा आदि। बच्चों देखिए, 2 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा फिक्स है, 5 किलो टमाटर, यह टमाटर बच्चों 5 किलो वजन करके रखा गया है, 500 ग्राम दूध, बच्चों देखो 500 मिलीग्राम दूध होता है, 1 किलो आटा, 1 किलो आटे की पैकेट है, 1 किलो आटा, इसका नाप तोल फिक्स है बच्चों, 1 किलो आटा है। विशेष देख लेते हैं बच्चों थोड़ा इसके बारे में, कुछ विशेष बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा तब हम जा करके परिपूर्ण होंगे विशेषण में। अनिश्चित परिमाण वाचक में जब अधिक परिमाण का बोध करना हो तो ओ जोड़ दिया जाता है, ओ, जैसे अभी लोहा जो होता है बच्चों ज्यादा रहता है तो उसको हम किलो में नहीं, उसकी मापन की इकाई को हम बढ़ा देते हैं, उसको टनों में कहते हैं, टन में कहते हैं। जैसे 1 टन हो गया, 1 टन से अधिक हो गया, 2 टन हो गया, 10 टन हो गया, 50 टन हो गया, तो हम उसको कहते हैं, अगर वजन नहीं किए हैं तो एक अंदाज मापन की इकाई हम बता देते हैं कि ये टनों लोहा है। टनों मतलब कई टन, मनो गेहूं। बच्चों पहले के लोग, बुजुर्ग लोग मापन की इकाई, तौल की इकाई अन्न की जो है मन में करते थे कि 1 मन हो गया, 2 मन हो गया, 5 मन हो गया, भाई हमारे खेत में तो 50 मन की पैदावार इस साल हुई, तो मनो गेहूं, 1 मन, 2 मन, 5 मन, 10 मन, 50 मन से अधिक होते चले जा रहे हैं तो उनको हम मनो कह देंगे उनको, क्योंकि उनको तौल माप नहीं किया गया है। तो देखो बच्चों, अनिश्चित परिमाण वाचक में जब अधिक परिमाण का बोध कराना हो, बहुत ज्यादा कराना हो, ज्यादा कराना हो, तो अंत में ओ जोड़ दिया जाता है। आप देखिए चित्र में, टनों लोहे का उपयोग करके रेल की पटरियां और रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। अगर कह दिया जाए बच्चों कि रेल की पटरियां बिछ रही हैं, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि यहां से वहां तक की रेल की पटरियां बिछ रही हैं, तो टनों लोहे का उपयोग किया गया होगा। बहुत बड़ा कोई ब्रिज बन रहा है बच्चों, पुल बन रहा है नदी के इस पार से उस पार तक, तो उसमें लोहे का ब्रिज बन रहा है तो उसमें भी टनों लोहे का उपयोग किया जाता है। मनो गेहूं, जब गेहूं के समय में हम गांव जाते हैं बच्चों, देखिए अक्सर जब हमारी छुट्टियां होती हैं तो अप्रैल महीने में हम गांव जाते हैं तो देखते हैं उस समय गांव में चारों तरफ खेती की बहार ही बहार रहती है। जहां देखिए वहीं अन्न की पैदावार होती रहती है, खेत पके हुए हैं, कोई थ्रेसर चला करके गेहूं को निकाल रहा है, कोई गेहूं की सफाई कर रहा है, कोई गेहूं को के ढेर को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। तो बच्चों उस समय गांव में देखा जाए तो मनो गेहूं पैदा होते हैं, मनो गेहूं के ढेर लगे हुए हम देखने को पाते हैं। अगला है बच्चों, चौथा, सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा देख लीजिए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त तो होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों संज्ञा के बाद हम सर्वनाम पढ़े हैं, सर्वनाम देखिए, यह, वह, उसे, उसने इत्यादि, उसकी, ये सब सर्वनाम है। और इसकी परिभाषा देख लीजिए सार्वनामिक विशेषण की एक बार और बच्चों, जो सर्वनाम
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का प्रथम आया। देखो बच्चों, लड़का, वह लड़का प्रथम आया। यह तोता बोलता है। देखिए बच्चों, चित्र में वह लड़का प्रथम आया, यह तोता बोलता है। आगे देखिए, यहां वह और यह संज्ञा के साथ आए हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों एक बार और ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। छोटी छोटी इन बातों को अगर आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा कोई भी चीज। यहां एक बार और देख लेते हैं परिभाषा इसकी। यहां यह और वह और यह संज्ञा के साथ आए हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है बच्चों, ये परिभाषा नहीं। इसके बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में स्पष्टीकरण लिखा गया है। आइए बच्चों, हम अभी स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्वाध्याय देख लेते हैं बच्चों। अभी विशेषण शब्द चुनकर उचित जोड़ियां मिलानी है आप सबको। पहले शब्द दिया गया है और दूसरे भाग में विशेषण के शब्द दिए गए हैं। शब्द कौन से हैं बच्चों? मिर्च, सांप, कार, टमाटर। और विशेषण के शब्द कौन कौन से दिए गए हैं बच्चों? जहरीला, लाल, तीखी, नई। मिर्च कैसी होती है बच्चों? आप लोग चित्र में देखे, बहुत तीखी लग रही थी ना, तो मिर्च का विशेषण शब्द होगा तीखी। सांप कैसा होता है बच्चों? बहुत डरावना होता है। जैसे ही सांप का नाम आ जाता है हमारे सामने या दिमाग में, तुरंत हम चौकन्ने हो जाते हैं, आजू बाजू देखने लगते हैं। तो सांप जहरीला। कार नई, मेरे पास नई कार है। टमाटर कैसा दिखता है बच्चों? टमाटर लाल। आगे देखिए बच्चों, गृहकार भी आपको दिए हैं। थोड़ा सा कुछ शब्द बताते हैं आपको, साथ में गृहकार भी देंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। विशेषण शब्दों की रचना बच्चों कैसे होती है, छोटे शब्दों में आपको बताने का प्रयास किए हैं। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होती है। जैसे देख लीजिए, संज्ञा से कैसे, संज्ञा है इसमें भारत, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें संज्ञा भी, संज्ञा के बारे में देखना है। संज्ञा से कैसे, संज्ञा के शब्द से विशेषण बनते हैं। भारत से बना है भारतीय, उत्तर से बना उत्तरी, देश से बना देशी, ग्राम से बना है बच्चों ग्रामीण, शहर से बना है शहरी, पर्वत से पर्वतीय, बंगाल से बंगाली, पृथ्वी से पार्थिव, आकाश से आकाशी आदि। अभी देखिए, सर्वनाम से यह से ऐसा। सर्वनाम से कैसे बनता है बच्चों, देख लीजिए यहाँ। यह से ऐसा, जो से जैसा, वह से वैसा। जो जैसा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। क्रिया से कैसे बनता है, से क्रिया से ध्यान देना है बच्चों। भूलना से भुलक्कड़, चलना से चालू, बेचना से बिकाऊ, पढ़ना से पढ़ाकू आदि। जैसे आप और भी देख सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। जो देखिए बच्चों, यहाँ ये आपको सर्वनाम दिया है, ये विशेषण दिया है, यहाँ भी सर्वनाम दिया है बच्चों, यहाँ भी विशेषण के शब्द दिए गए हैं। जो जैसा, तुम, तुमसा,
कौन कैसा मैं मुझसा। अभी अपने शिष्यवृत्ति परीक्षा में बच्चों, स्कॉलरशिप की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको हम देख लेते हैं। दिया है बच्चों, विशेषण कहलाते हैं और चार पर्याय आपके सामने दिया गया है। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विशेष, तीसरा है विपरीतार्थक शब्द, चौथा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो बच्चों आपको इसमें से सही विकल्प चुन करके टिक करना है। और विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के बारे में आप जो सही समझें इसमें आप इन चारों में से कोई भी एक टिक कर सकते हैं जो सही हो। दूसरा प्रश्न देख लीजिए बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप के बारे में बताते हैं वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देख लीजिए, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, ये सब आप अभी पढ़ चुके हैं बच्चों। ये आपके बुद्धि के, आपके समझ के आकलन के लिए प्रश्न अभी हम कर रहे हैं। और इस प्रकार के प्रश्न बच्चों हमारे स्कॉलरशिप में आते हैं। देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है विशेषण शब्द, जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपको इस चारों में से जो सही लगे उसको चुन करके टिक करना है। चौथा देखिए बच्चों, विशेषण के भेद होते हैं। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं या छह होते हैं? जो सही हो बच्चों वह आपको इसमें टिक करना है। या आपके लिए गोल का ऑप्शन रहेगा बच्चों, तो उस गोले को जो सही क्रमांक रहेगा पूरी तरह से गोले को भर देना है। पांचवा देखिए प्रश्न है, इनमें गुणवाचक विशेषण शब्द है। गुणवाचक, ध्यान दीजिए, गोरा व्यक्ति, 10 रुपए, 2 मन अनाज, यह कार। गुणवाचक कौन सा आपको लग रहा है बच्चों वह आप चुन करके करेंगे इसका भी उत्तर। अभी देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक छठा है, इस कक्षा में 40 छात्र हैं। इस कक्षा में 40 छात्र हैं, रेखांकित शब्द का भेद, मतलब इस कक्षा में 40 छात्र हैं, ये जो है बच्चों ये 40, ये आपको क्या बता रहा है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है या संख्यावाचक है? आपको इन चारों में से सही पर्याय चुन करके टिक करना है। सातवां देखिए, इनमें संकेतवाचक विशेषण है, वह मकान, 10 मन गेहूं, 20 लड़के, पंजाबी। संकेतवाचक बच्चों आप लोग सही पर्याय चुन करके बताएंगे। बच्चों आज की कक्षा में हम विशेषण के बारे में जाने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। और बच्चों ध्यान देने वाली बात, हमारे YouTube चैनल BMCGMEDU स्टैंडर्ड 5th डाल करके अगर आप देखेंगे तो 5वीं कक्षा से संबंधित सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। सभी विषय के वीडियो बने हुए हैं बच्चों। इस तरह से बहुत ही सुंदर ढंगों से अच्छे अच्छे चित्रों का उपयोग करके अच्छी तरह से समझाया गया है। आप ऑनलाइन YouTube पर जाएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बगल में राइट साइड में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे टच करें बच्चों, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियो समय से मिलते चले जाएं और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। धन्यवाद।